मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को उनके उद्बोधन के लिए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को उनके उद्बोधन के लिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देश के गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मध्य प्रदेश के एक बार नहीं चौथी बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ जो हो रहा है मंच पर, वो सिर्फ एक राजनीतिक उठापटक नहीं बल्कि जातिगत दुराग्रह का परिणाम है। भोपाल में हुए आज वन समितियों के सम्मेलन के मंच पर प्रदेश में चल रही बीजेपी के अंदरूनी सियासी उठापटक का एक वीडियो सामने आया है, आप भी देखिए। जैसे ही मंच पर मुख्यमंत्री भाषण देने के लिए उठे तो मामा के सम्मान में प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया खड़े होकर तालियां बजाने लगे, लेकिन तभी बगल में बैठे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तालियां बजा रहे भदौरिया को पीछे से कुर्ता खींचकर जबरदस्ती बैठा दिया। और ये करने वाले शख्स हैं नरोत्तम मिश्रा, उनको ये करने की छूट शायद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और संघ की तरफ से मिली हुई है, इसलिए क्योंकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी 12 राज्यों में अपनी दम पर और 4 राज्यों में सहयोगियों के दम पर सरकार में शामिल है, लेकिन इन 12 राज्यों में केवल 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर मुख्यमंत्री के अलावा गृह मंत्रालय उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति को सौंपा हुआ है। दोनों ही भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा पसंद ठाकुर और ब्राह्मण जातियों से नहीं आते हैं। 2 में से एक राज्य है हरियाणा, वहां वजह समझ में आती है कि मनोहर लाल खट्टर अपेक्षाकृत उतने मजबूत सीएम नहीं माने जाते, ना ही उनके फेस पर चुनाव लड़ा गया था। दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह चौहान न सिर्फ 4 बार से भारतीय जनता पार्टी के फेस हैं बल्कि 1977 से, यानी कि तकरीबन 45 सालों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की दरी बिछाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो ओबीसी की किरार जाति से आते हैं। वोट बैंक के लिहाज से 12 राज्यों में एकमात्र ओबीसी मुख्यमंत्री बना तो दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन उनकी हैसियत बताने के लिए नरोत्तम मिश्रा को वहां गृह मंत्रालय सौंप दिया गया। उस कार्यक्रम में यह एकमात्र घटना नहीं है, उसी कार्यक्रम में एक दूसरी घटना का वीडियो देखिए। आज के इस कार्यक्रम में पधारे भारत सरकार के गृह एवं केंद्रीय सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी के हम बहुत बहुत कैलाश विजयवर्गीय खड़े हुए हैं उस जगह पर, उस कुर्सी के सामने जहां शिवराज सिंह चौहान को बैठना था। क्या प्रोटोकॉल के हिसाब से यह तय नहीं था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किस कुर्सी पर बैठेंगे? फिर क्या वजह थी कि कैलाश विजयवर्गीय उनकी कुर्सी के सामने खड़े थे, शिवराज सिंह चौहान को उनको हाथ से ढकेल करके अपने कुर्सी के सामने से हटाना पड़ा। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया एक कुर्सी और आगे बैठे। हैरत की बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी इन तमाम घटनाओं को महज एक संयोग करार देती है। अगर यह महज संयोग है तो यह संयोग ओबीसी एससी के डिप्टी सीएम या ओबीसी के ही मुख्यमंत्री के साथ सामने क्यों आती है? नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश में नंबर 2 कहे जाते हैं, जबकि वो संघी पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं। नेशनल जनमत का सवाल यही है कि जब आप ओबीसी को कुछ देते हैं तो संघ आयु जैसा शब्द कहां चला जाता है, जिसके आधार पर आप कहते हैं कि संघ आयु मतलब संघ में गुजारे हुए समय के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी में उसका कद पद तय होता है। जब ओबीसी एससी वर्ग के नेताओं के साथ ये बात आती है तो उत्तर प्रदेश में भी जितिन प्रसाद एक साल अचानक से आते हैं, पीडब्ल्यूडी जैसा मंत्रालय मिल जाता है, अरविंद शर्मा अचानक से आ जाते हैं, 2 बड़े बड़े विभागों के मंत्री बन जाते हैं, स्वतंत्र देव सिंह केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग 36 और 32 साल की संगायु रखने के बाद भी अपेक्षाकृत सम्मान नहीं पा पाते। नंबर 2 की हैसियत की अगर बात है तो नेशनल जनमत का एक और सवाल है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उनका फेस नहीं बल्कि फेस था केशव प्रसाद मौर्य का, लेकिन क्या किसी भी मंत्री की हैसियत थी कि वह अपने आपको नंबर 2 कहलवा सके या नंबर 2 की तरह बर्ताव कर सके
या योगी आदित्यनाथ जी के साथ मंच पर इस तरह का अपमानजनक बर्ताव कर सके किसी की हैसियत नहीं है। अब तो वो दूसरी बार हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान चौथी बार हैं, फिर भी वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सवर्ण मुख्यमंत्रियों के बराबर उनका कद अभी तक नहीं है। वो नरोत्तम मिश्रा जिसको आगे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की बात हो रही है, उनके गृह मंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश में NCERV के आंकड़े कहते हैं 2020 में जो आए थे कि मध्य प्रदेश आदिवासी बाल अपराध और SC अपराधों में प्रदेश में नंबर एक है। वहां हर रोज 46 बच्चों के साथ रेप, हत्या, अपहरण जैसी वारदात सामने आती हैं। तो फिर नरोत्तम मिश्रा किस मामले में अग्रणी हैं? पहले तो वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, दूसरी बात वो हिंदुत्व के मामले में RSS और योगी आदित्यनाथ की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नरोत्तम मिश्रा जो कभी गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता की बात किया करते थे, वही नरोत्तम मिश्रा अब लगातार साधु संन्यासियों के चरणों में देखे जाते हैं और नफरत वाले बयान हिंदुत्व से जुड़े हुए तमाम मामलों में अग्रणी भूमिका और बयान देते हुए नजर आते हैं। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी और RSS का शीर्ष नेतृत्व वर्तमान में ऐसा चेहरा चाहता है जो उन दोनों का पूरी तरीके से गुलाम हो। शिवराज सिंह चौहान पूरी तरीके से मुखर ना सही, लेकिन नफरतवादी एजेंडे पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और RSS को फॉलो नहीं करते हैं। शायद इसी वजह से नरोत्तम मिश्रा जैसे गैर संघी ब्राह्मण चेहरे को भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है, शिवराज सिंह चौहान जैसे OBC मुख्यमंत्री को धीरे धीरे काट रही है। हालांकि OBC मुख्यमंत्री बनाना, डिप्टी CM बनाना वक्त की मांग है, क्योंकि OBC SC समुदाय को इतना समझ में आ गया है कि हमें वास्तविक नहीं लेकिन हिस्सेदारी का झुंझुना दिखाना पड़ेगा। वो भी समय आएगा जब OBC को अपनी वास्तविक हिस्सेदारी, आत्मसम्मान, स्वाभिमान में अंतर पता चल जाएगा, तब निश्चित तौर पर स्थितियां परिवर्तित होंगी। बहरहाल जब तक समझ में नहीं आता तब तक इसी तरह के झुंझुनों से उनको मन बहलाना होगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।